अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही पाखंडी बाबा है जिसने कुछ महीनों पहले अपने आप को जल समाधि लेने की बात की थी अगर अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, लेकिन पता नहीं किस बिल में जा छुपा था। आज कई महीनों बाद वापस आकर शाहरुख खान के ऊपर जहर उगल रहा है, क्योंकि शाहरुख खान की एक पिक्चर आने वाली है जिसमें उसकी हीरोइन ने भगवा कलर पहना था, भगवा कलर पहन के डांस किया था हीरोइन ने, ना कि शाहरुख खान ने। लेकिन ये उस हीरोइन के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा क्योंकि वो लड़की हिंदू है। शाहरुख खान के ऊपर जहर उगल रहा है, इसको इस्लाम से रिलेटेड कर रहा है। इससे पहले कई हिंदू एक्टर्स ने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्लिप, भगवा पहनकर नाच गाना किया, तब ये कहाँ था, तब क्या ये अंधा था, तब क्या इसको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, तब इसने कुछ क्यों नहीं कहा, आज ये बात इस्लाम से ये क्यों जोड़ रहा है। तो एक तो शाहरुख खान की बेइज्जती कर ले या उसकी गाँव में घुस जा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। पर ये बात याद रख, अगर तूने इस्लाम की या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुझको भुगतना होगा। और हमारे देश के कानून से मेरा ये सवाल है, हमारे देश की गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है, एक हिंदू बाबा खुलेआम किसी को मारने की धमकी देता है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम रिपोर्टर जब किसी का पर्दाफाश करता है, ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है तो उसको जेल हो जाती है। आखिर ऐसा दोगलापन क्यों, ऐसा दोगलापन क्यों किया जाता है हमारे देश में, ये मेरा सवाल है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और इसने क्या बोला है ये वीडियो आगे पूरी जरूर देखें, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार, वाइकाट होना चाहिए। किसी में दम नहीं है, मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे, पैगंबर मोहम्मद पर कोई जो है फिल्म अथवा वेब सीरीज बना दे, किसी में दम नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा, और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उठेर करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा है। फिल्म पठान में भगवा रंग का अपमान किया गया है, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत लगातार हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए पैसा कमाने का लोगों ने धंधा बना लिया है। और यह फिल्म जिहाद है, यह रणनीति तैयार करके किया जाता है, इसलिए आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं ढूंढ रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा, और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उठेर करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा है। भगवा के बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता है। भगवा सूर्य का रंग है, अग्नि का रंग है, भगवा शांति का प्रतीक है और सभी सनातन धर्मावलंबियों की आन बान शान स्वाभिमान का प्रतीक है भगवा। भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी शाहरुख खान को, अगर मैं तो ढूंढ रहा हूं, हमारे बंदे मुंबई में लगे हुए हैं, जिस दिन ये मिला उसको मैं जिंदा जलाऊंगा। अगर हमसे पहले किसी जो है हिंदू शेर ने जला दिया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा, उसके परिवार की आर्थिक मदद मैं करूंगा। और कोई भी अगर सनातन का अपमान करेगा तो पलटवार होगा। मैं कहता हूं कि भाई शाहरुख खान का तो मजहब इस्लाम है, आज तक वो अपने मजहब पर न तो कोई वेब सीरीज बनाया न तो कोई मूवी बनाया। मैं चैलेंज करता हूं हलाला पर बना के दिखा दे,
तीन तलाक पर बना के दिखा दे, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर बना दिखा दे, पता नहीं पांच मिनट के अंदर कितने टुकड़े होंगे, कोई गिन नहीं पाएगा। केवल इनको पता है कि हिंदू मानवतावादी लोग हैं, इसलिए उनका मजाक उड़ाओ और पैसा कमाओ, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो सनातन की आस्था का मजाक बनाएगा, अपमान करेगा, उस पर पलटवार होगा, उसका सजाए मौत। हमारे प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान प्रलयंकर शंकर, श्री बजरंगबली हनुमान ने भी राक्षसों का वध किया है, और इन जिहादी राक्षसों का वध हम लोग भी अब शुरू करेंगे। और इसकी शुरुआत आमिर खान से और शाहरुख खान से और सलमान खान से, ये जो जिहादी लोग हैं, इन लोगों से अब शुरू कर रहा हूं। तीन खान मैं चिन्हित कर लिया हूं, और सबसे पहले जो है चमड़ी उधेर के जिंदा जलाऊंगा और पूछूंगा कि धमनियों में बहने वाला तेरा रक्त भगवा है, इसलिए भगवा का अपमान।